जैन साथियों कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूं सब ये अच्छे होंगे। साथियों आज हम बात करने वाले हैं बीटेक एंड बीएससी में कौन सा कोर्स बेटर है, कौन सा कोर्स हमें ट्वेल्थ के बाद करना चाहिए जिससे हमें जल्दी जॉब मिले, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, अच्छा हमें सैलरी पैकेज मिले, और किस में हमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, किस किस ट्रेड से हम कर सकते हैं। तो आपके बीएससी और बीटेक को लेकर जितने भी क्वेश्चन क्वेरी हैं उन सबके आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो क्योंकि मैं एक एक पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं बीटेक एंड बीएससी के डिफरेंस के बारे में या इन कोर्सेज के बारे में तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन से जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। तो साथियों बात करते हैं बीटेक और आपका बीएससी के बारे में। तो इसमें सबसे पहले थोड़ा सा हम इनके बेसिक जो चीजें हैं उनको जान लेते हैं। तो साथियों यदि हम बीटेक की बात करें और बीएससी की बात करें तो दोनों ही किस में आते हैं, आपके अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स हैं। अब इसमें जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स हैं, जो बीटेक है वो किसके अंतर्गत आता है भाई, टेक्निकल कोर्स के अंतर्गत आता है भाई, किसके अंतर्गत, टेक्निकल कोर्स। और जो हमारा बीएससी है ये किस में आता है भाई, ट्रेडिशनल कोर्स। ये कैसा है, ट्रेडिशनल कोर्स है। अब ये अलग अलग ब्रांचेस से कराए जाते हैं। अब उससे पहले हम जान लेते हैं ड्यूरेशन, कोर्स ड्यूरेशन क्या है भी आपकी इसकी, जो बीएससी होता है वो 3 ईयर का होता है, और यदि नई शिक्षा नीति लागू होती है तो उसमें कितने साल का हो जाएगा, ये 4 ईयर का हो जाएगा। अब यदि हम इधर बात करें बीटेक की तो बीटेक आपका 3 ईयर का भी होता है और 4 ईयर का भी होता है। अब 3 ईयर का किसके लिए होता है भाई, जो 3 ईयर का बीटेक है वो या तो आपने क्या किया हुआ भाई, पॉलिटेक्निक किया हो यानी कि डिप्लोमा किया हुआ हो, या फिर आपने बीएससी की हुई हो, क्या की हुई हो भाई, बीएससी। तो आपको क्या मिल जाती है, लेटरल एंट्री मिल जाती है, डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन आपका हो जाता है, तो यानी कि उनके लिए होगा आपका 3 साल का। और यदि आपने ट्वेल्थ किया हुआ है तो डायरेक्ट आपको फिर किस में एडमिशन मिलेगा, फर्स्ट ईयर में मिलेगा। तो फर्स्ट ईयर में फिर आपका कितने साल का होगा भी, बीटेक 4 साल का होगा। तो ये तो थी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो लगभग सभी को पता होगा। अब इसके बाद में बात करते हैं भी दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, बीटेक और बीएससी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि बीटेक क्या है, टेक्निकल कोर्स है, और बीएससी क्या है, ट्रेडिशनल कोर्स है। अब बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए निकलती हैं, टेक्निकल के लिए निकलती हैं, तो उसमें आपके बीएससी वाले बच्चे उनको फिल नहीं कर सकते हैं। अब बीएससी वाले बच्चे कहां पर फिल कर सकते हैं, बीएससी वाले बच्चे वहां पर वैकेंसीज को फिल कर सकते हैं जहां पर लिखा हुआ होता है कि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया हुआ हो, तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, यहां पर जहां पर यानी कि आपको ग्रेजुएट मांगा गया हो। अब ग्रेजुएट में आपका बीएससी भी आता है और बीटेक भी आता है, दोनों ही डिग्री कैसी हैं भाई, आपकी ग्रेजुएट कोर्स हैं। तो यानी कि यदि आपको कहीं पर भी ग्रेजुएट मांगा जाता है तो दोनों ही पूरी तरीके से वैलिड मानी जाती हैं। अब इनको अलग अलग ब्रांचेस से किया जाता है। अब बात करते हैं वन बाय वन। तो यदि हम बीएससी की बात करें तो बीएससी सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं भाई, ऑनर्स, यानी कि बीएससी ऑनर्स से कर सकते हैं, जैसे आपका फिजिक्स के साथ में, मैथ, केमिस्ट्री, या फिर आपका किसी और सब्जेक्ट से साथ करना चाहते हैं तो उसके साथ कर सकते हैं। नॉर्मल बीएससी आप कर सकते हैं पीसीएम के साथ कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं बीएससी सीएस से कर सकते हैं, या फिर आप बीएससी आईटी कर सकते हैं, और भी सारी इसमें कोर होती हैं जिनसे आप अपना बीएससी कर सकते हैं। जो नॉर्मल बीएससी होती है वो क्या होता है भाई, आपका पीसीएम, या यदि आपने पीसीबी से किया है तो फिर आप अपना पीसीबी से कर सकते हैं बीएससी, या फिर आप जेडबीसी से कर सकते हैं। तो ये इसमें कोर होती हैं जिससे आप बीएससी कर सकते हैं। अब यदि हम बात करें बीटेक की तो बीटेक में जो आपकी ब्रांचेस होती हैं, बीटेक में बहुत सारी ब्रांचेस हैं आज की डेट में, जो मेन ब्रांचेस हैं सबसे पहला है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, सीएस यानी कि कंप्यूटर साइंस, डबल ई यानी कि इलेक्ट्रिकल, और आपका आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका एआई एंड डीआई, बहुत सारी आज की डेट में ब्रांच हैं, आपका एरोनॉटिकल, बहुत सारी ब्रांच हैं बीटेक में जो अब आज की डेट में नई ब्रांचेस आई हैं। लेकिन जो अच्छी ब्रांचेस हैं, टॉप मोस्ट ब्रांचेस हैं, वो मैंने यहां पर लिखी हैं। तो आप समझ गए होंगे इन इन ब्रांचेस से आप क्या कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। लास्ट में जो मेन डिफरेंस है और आपको बीएससी करना चाहिए या बीटेक करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको उसके लिए वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं भाई, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि यदि आप बीएससी करना चाहते हैं तो बीएससी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो बीएससी में एडमिशन के लिए आपने अपना ट्वेल्थ किससे किया हुआ भाई, अपना पीसीएम से किया हुआ हो या पीसीबी से किया हुआ, यदि आप जेडबीसी से करना चाहते हैं या पीसीएम पीसीबी से करना चाहते हैं बीएससी, तो फिर आपको क्या होना चाहिए भाई, पीसी
पीसीबी से, या फिर आपने यदि बीएससी पीसीएम से किया है तो फिर आप किससे करेंगे भाई, इनमें से आप कर सकते हैं। क्लियर है आपको? अब इससे आगे हम बात करते हैं यहां पर बीटेक की। तो बीटेक में एडमिशन के लिए आपको क्या होना चाहिए भाई, आपने ट्वेल्थ किया हुआ होना चाहिए, वो भी किसके साथ, पीसीएम के साथ, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो आपके दो सब्जेक्ट हैं वो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन आपका कंपलसरी है क्या, पीसीएम, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना कंपलसरी है। अब इसके साथ साथ आपका इनमें परसेंटेज की बात आती है। तो यदि बीएससी में एडमिशन की बात करें तो जो नॉर्मल परसेंटेज का क्राइटेरिया है बीएससी करने के लिए, वो आप पास होने चाहिए। सिर्फ क्या होने चाहिए भाई, पास होने चाहिए, जो नॉर्मल क्राइटेरिया है। यदि हम किसी इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी की बात करें तो उन्होंने अपने क्राइटेरिया सेट कर रखे हैं, 50% होना अनिवार्य है या 60% या 70%, तो वो मैटर नहीं करता। लेकिन जो बीएससी के लिए जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है वो ये है कि आप 12th पास होने चाहिए, तो आप बीएससी कर सकते हैं। अब यदि हम इधर बात करें बीटेक की, तो बीटेक में कितना परसेंट आपका होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड है 50% आपका पीसीएम में होना चाहिए, और ओवरऑल भी 50% होना चाहिए। और यदि आपका 50% से कम है तो आपकी यदि कोई कैटेगरी लगती है एससी एसटी या कोई और आपको छूट मिलती है, तो वहां पर आपको 5% की छूट मिल जाती है, 45 पर एडमिशन हो जाता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज 45 पर भी एडमिशन ले लेती हैं, लेकिन इससे कम पे एडमिशन पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या है, इसका स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है, या फिर आपको कोई और कैटेगरी, या फिर आपको सर्टिफिकेट एनसीसी या कोई और सर्टिफिकेट लग के आपकी 1-2% कम हो जाती है, तो वो अलग मैटर है। लेकिन इसके लिए क्या होता है भाई, परसेंटेज भी मैटर करती है। दूसरा है जो लेटरल एंट्री में एडमिशन होता है, तो उसके लिए आपने क्या किया हुआ हो, पॉलिटेक्निक किया हुआ हो, यानी कि डिप्लोमा किया हुआ हो, और डिप्लोमा में भी परसेंटेज का मैटर आता है कि आपने कितने परसेंट के साथ डिप्लोमा किया है। तो यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बात करते हैं फीस की, कि इनको करने के लिए फीस कितनी लगती है। तो साथियों यदि हम फीस की बात करें तो फीस मैटर करती है आपकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज पर, कि आप किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से अपना बीएससी या बीटेक कर रहे हैं। तो अब इसमें यदि हम बीएससी की फीस की बात करें, जो नॉर्मल फीस है, तो आपकी 20,000 रुपये से लेकर, जो नॉर्मल फीस है 20,000 रुपये से लेकर और 1,00,000 रुपये तक फीस है। और यदि हम गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में बीएससी की फीस, तो वो आपका 1,500-2,000 रुपये फीस है। और यदि हम बीटेक की बात करते हैं, तो बीटेक की फीस कंपैरिजन टू बीएससी अधिक होती है, यानी कि बीटेक यदि हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो आपका जो मीडियम रेंज के कॉलेज हैं उनकी जो फीस है वो 1,00,000 से लेकर 2,00,000 रुपए की रेंज में है पर ईयर की फीस। और यदि हम गवर्नमेंट की बात करें, तो बीटेक में वो गवर्नमेंट के ऊपर मैटर करता है कि किस टाइप के गवर्नमेंट कॉलेज में आप जा रहे हैं, आईआईटीज में या फिर आप किस में जा रहे हैं, तो वहां पर भी फीस आपकी 1,00,000-1,50,000 रुपए, 2,00,000 रुपए कम फीस नहीं है। तो कंपैरिजन टू बीएससी, तो बीटेक की फीस क्या है, थोड़ी ज्यादा होती है। अब आगे बात करते हैं कि भाई आपने यदि बीएससी किया है तो आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं, आप उसके बाद में क्या कर सकते हैं। अभी कैरियर ऑप्शन नहीं, आप क्या क्या कर सकते हैं। तो यहां पर यदि आपने बीएससी किया है तो आप क्या कर सकते हैं भाई, एमएससी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं, अपनी मास्टर डिग्री कर सकते हैं, आप बीएड कर सकते हैं। यदि आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है तो आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, फिर आप क्या कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं। यदि आपका मन बदलता है, आपको एज अ प्रोफेशनल उसमें जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं। आप बीएससी के बाद एमसीए भी कर सकते हैं, यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी आप कर सकते हैं। बीएससी के बाद आप एलएलबी भी कर सकते हैं, और भी कोर्स जो आप ग्रेजुएशन के बाद में आप जिसके लिए एलिजिबल हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको बीएससी बेस्ट है या फिर बीटेक बेस्ट है, कौन सा आपको करना चाहिए। अब इधर बात करते हैं, आप बीटेक करने के बाद क्या कर सकते हैं भाई, एमटेक कर सकते हैं, जो सबसे पहली प्रेफरेंस होती है। और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं भाई, एमबीए कर सकते हैं, और भी आप बहुत सारे कोर्सेज हैं, एलएलबी भी आप कर सकते हैं, बीएड भी आप कर सकते हैं, बहुत सारे आप कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद। तो ये सब सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं, पीजीडीएम कर सकते हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट है वो भी आप कर सकते हैं। तो बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप बीटेक के बाद में कर सकते हैं। जो मेन मेन है, जो बच्चों की प्रेफरेंस होती है, वो होती है एमटेक या फिर एमबीए। तो ये जो दो मेन है वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब इससे आगे बात करते हैं जॉब्स भाई, आप बीएससी करें या फिर आप बीटेक करें, तो इसमें जॉब किस में ज़्यादा है। तो साथियों यदि हम बीएससी की बात करें, तो यदि गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो ज़्यादा जॉब है वो किस में है भाई, बीएससी में है। बीएससी में क्यों ज़्यादा है भाई, बीएससी करने के बाद में यदि आप बीएससी करते हैं, तो बीएससी करने के बाद आप नॉर्मल सी बात है, आप बीएड कर सकते हैं, बीएड करने के बाद आप टीचर बन सकते हैं, या बीएड बीएससी करने के बाद में आप अपना एमएससी करने के बाद में आप अपना नेट का एग्जाम क्वालिफाई करके फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं,
सकते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चों की चॉइस होती है वो ये होती है। अब इधर यदि हम बात करें बीटेक की, तो बीटेक में जो प्राइवेट सेक्टर में जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि इसमें ब्रांचेस अलग अलग हैं। जैसे आप सीएस के साथ करते हैं तो सीएस की बहुत ज़्यादा बड़ी, बहुत बड़ा हब है, सीएस में बहुत ज़्यादा जॉब हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये सब अलग अलग ब्रांच हैं, अलग अलग ब्रांच से बीटेक को किया जाता है। तो इसकी मार्केट बहुत बड़ी है, बीटेक में जो स्कोप है प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। गवर्नमेंट सेक्टर की भी हम बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज निकलती हैं, लेकिन कंपैरिजन टू बीएससी वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको जो ज़्यादा वैकेंसी मिलेंगी वो बीएससी में मिलेंगी। अब बीटेक में कहाँ कहाँ पर मिलती हैं आपकी जो वैकेंसीज होती हैं, जैसे आपका रेलवे हो गया, आपका जो गवर्नमेंट की बहुत सारी वैकेंसी, जैसे आपका इंडियन आर्मी में आपकी बहुत सारी अलग अलग वैकेंसीज निकलती हैं जो टेक्निकल के लिए निकलती हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ कौन फिल कर सकते हैं, बीटेक वाले बच्चे फिल कर सकते हैं। और एक पॉइंट मैं आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि जहां पर भी ग्रेजुएशन मांगा जाएगा तो वहां पर बीटेक और बीएससी दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जहां पर भी ये लिखा हुआ हो कि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया हुआ हो तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक वाले बच्चे भी और आपका बीएससी वाले बच्चे भी। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहां पर मैंने आपको करियर बता दिया है दोनों में करियर किस तरीके से है। अब बात करते हैं कि भाई आपको बीटेक करना चाहिए या फिर बीएससी करना चाहिए, सर आप क्या सजेशन देंगे? देखिए मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि यदि आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है, आपको टीचर बनना है, गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना है, तो फिर आप करिए बीएससी, यानी कि बीएससी करिए। बीएससी करने के बाद आप अपना या तो बीएड करिए, यदि आपको उसमें जाना है स्कूल्स की तरफ जाना है, यानी कि फर्स्ट से लेकर आपको टेंथ तक का टीचर बनना है, तो आप अपना बीएड अप्लाई कर दीजिए बीएससी के बाद, तो फिर अपना आप टेट के एग्जाम देकर अपना टीचर बन सकते हैं। यदि आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज में प्रोफेसर बनना है तो बीएससी के बाद में आप क्या करिए, फिर एमएससी करिए, और एमएससी के बाद में आप अपना यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। और यदि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर हो जाता है तो फिर आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज में क्या बन जाते हैं, एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर सकते हैं, और सीनियर होते होते फिर पोस्ट भी अच्छी खासी आपको मिल जाती है। तो आप यदि इसमें इंटरेस्ट है तो आप करिए बीएससी। यदि आपका किसी दूसरी फील्ड में, यानी कि जैसे कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर आपका मैकेनिकल में, इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो फिर आप करिए बीटेक। क्या करिए आप, फिर बीटेक करिए। आप बीटेक करेंगे तो फिर आपको जो बीटेक करने में आपको जो जॉब है प्राइवेट सेक्टर में बहुत जल्दी जॉब मिल जाती है, यदि आपने अच्छे से अपनी पढ़ाई करी है, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आपने पढ़ाई की है। अब यहाँ पर बच्चे कहते हैं कि सर हम बीएससी सीएस से करें, आईटी से करें। बिल्कुल भी मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप बीएससी सीएस से करें या आईटी से करें। बीएससी आईटी और बीएससी सीएस मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता। फिर आप करिए बीटेक करिए, ये बीएससी मत कीजिए, क्योंकि फिर आप टेक्निकल में आ जाते हैं, तो फिर आप टेक्निकल कोर्स कीजिए, फिर आप बीटेक आप सीएस से करें या फिर आईटी से करें, तो फिर मैं आपको वो सजेस्ट करूंगा। बीएससी सीएस या बीएससी आईटी मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। तो साथियों ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, और यदि अभी भी आपका कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस साथियों एक इंफॉर्मेशन और आपके साथ शेयर करनी थी, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप का। तो यदि आप भी अपना किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हर साल सक्षम एजुकेशन हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, जो कि मेरिटोरियस और आपके या फिर पढ़ने में अच्छे होते हैं बच्चे, या जिनका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है वो बच्चे, तो उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है सक्षम एजुकेशन की तरफ से, जिसका किसी भी तरह का कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा रजिस्ट्रेशन का भी। तो आप जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हजारों बच्चे इसका हर साल फायदा उठाते हैं। तो साथियों ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं, यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।